तीन तलाक के दर्द से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाएगी सरकार। आजमगढ़ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद में अटकाया तीन तलाक विधेयक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। 21वीं सदी के हिसाब से वाराणसी बनेगा स्मार्ट सिटी। लेखक राकेश सिन्हा, किसान नेता राम शकल, मूर्तिकार रघुनाथ महापात्र और क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह राज्यसभा के लिए मनोनीत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर दी मंजूरी। देश में मौजूदा कारोबारी माहौल में युवाओं के लिए कई मौके। देहरादून में इकफाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रामीण भारत की जरूरतों को समझना जरूरी। ₹2030 तक $100 खरब के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने जताई उम्मीद। कहा, तेज विकास के दम पर हासिल होगा मुकाम। और दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में जो रूट के शतक से इंग्लैंड ने खड़ा किया बड़ा स्कोर। भारत के सामने जीत के लिए 323 रनों का लक्ष्य। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए बेल्जियम बनाम इंग्लैंड का मुकाबला जारी।